एक स्पेशल थैंक्स एंड ग्रेटिट्यूड टू ऑल द टीम, द क्रिएटिव टीम हियर, इंद्रो जी, डायरेक्टर उमेश जी, अभय, आर क्रिएटिव्स, देन आर डीओपी, एवरीबॉडी, द एंटायर आर्ट, आरएफ जी, विवेक जी, सबने जो सारी टीम्स ने जो मेहनत करी है, एवरी डिपार्टमेंट ना फॉर अमेरिका को यहाँ लेके आने के लिए, एंड रियली ग्रेटिट्यूड, थैंक यू, रियली रियली ग्रेट वर्क एंड थैंक यू सो मच. एंड रिजल्ट जो भी हो, बट अ ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल सेटअप्स, सीन्स, द वे इट्स डायरेक्टेड, द परफॉर्मेंसेस, द क्रिएटिविटी, द लुक फील, एंड बहुत 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 मेहनत करी है टीम ने. सो थैंक यू सो मच, थैंक यू, थैंक यू. अच्छा होगा तो क्रेडिट मैं लेके जाऊंगा. थैंक यू. हवा हम भी है. हाँ आ गए, जा आगे अभी जीरा हो गया इसको, मस्त घट गया बम्बू. ये भाई कान नहीं, जब से आधार कार्ड मैं पूरा कर दिया. भाई इच्छा होना चाहिए. अरे वो ठीक है, नहीं सुनिए अगर तू तो मत लागे कभी तो ठीक है. अरे वेट, हमारे लिए रुकिए, रितु रितु काम और ले लेते हैं. तो दादा लो रे, कम कम लेना पड़ेगा. हाँ रेडी, हाँ रेडी. अरे आगे आदमी खड़ा रहता है. चलो दादा हो गया ये. मैं तो उनका मंगा थे भाई. दो लाइन हो गया लगता है, आगे से होने वाले आगे आ गया नीचे आगे लेकिन पीछे कौन झुक के कर रहा है भाई, कौन झुक के कर रहा है. अरे मुझे उन्होंने पैसे दिए हुए हैं अवार्ड देने के लिए. अरे हाँ दे दे, आ जाओ. बस वो टेबल देखो ना, आप प्लीज कर, क्योंकि इनका ट्राइपॉड भी अभी तक फिक्स हुआ है आपका. अरे मैं नाश्ते नाश्ते शुरू. अब मैंने मोनोपॉड बना दिया ट्राइपॉड को, थोड़ा इधर ला रहे हैं. नहीं आज का दिन बहुत अच्छा. एक तो मुझे यूएसए का वीज़ा आज सुबह ही मिला, तो मोहम्मद मैं जल्दी से फ्लाइट पकड़ के आ गया अमेरिका. फिर तो खुशी की बात ये भी है. जोक्स अपार्ट, आज एक सरप्राइज़ था रूपाली जी के लिए. मॉम दीपा शाही जो प्रोड्यूसर है अनुपमा की, शी वांटेड कि वो रूपाली को मिले, उन्हें फैसिलिटेट करे, उन्हें थैंक यू बोले. और उनको जो एक अभी अवार्ड मिला है आईटीए के अंदर फॉर अनुपमा एज वुमेन एम्पावरमेंट शो, यू नो शो विच डिपिक्स वुमेन एम्पावरमेंट, मॉम को मिला अवार्ड. बट मॉम चाहती थी कि ये अवार्ड एक इंसान इसका यू नो हकदार है, दैट इज़ रूपाली, जो फेस है विमेन एम्पावरमेंट की, जो फेस है नारी शक्ति की, कि एक ऐसा किरदार, एक ऐसी एक्ट्रेस जिसने सारे इंडिया और इंटरनेशनली में
इंडियन वीमेन पावर को डिपिक्ट किया. सो मॉम भी, जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि मॉम 78 इयर्स की एज में प्रोड्यूसर बनी अनुपमा की वजह से, और आई फील अनुपमा बना बिकॉज मॉम प्रोड्यूसर थी, तो इसलिए वो बरकत मिली ऊपर वाले की, एक यू नो एक वो मिला, ब्लेसिंग्स मिला. सो आई थिंक उसकी वजह से इट वॉज़ वेरी नाइस कि मॉम का मन था कि मैं खुद रूपाली को मिलूँ, उसे वो अवार्ड डेडिकेट करूँ, और थैंक यू फॉर बींग आर अनुपमा एंड मैनी मैनी मोर ईयर्स ये चलता रहे शो, अच्छा रहे. एंड मॉम, यू वांट टू से समथिंग? यस, माय ब्लेसिंग्स टू आर ऑलवेज टू द एंटायर टीम ऑफ कोर्स. थैंक यू. थैंक यू. फीडबैक सभी का जब आता है एक अच्छा, और फिर उसके बाद जब फैमिली का आता है वो ऑफकोर्स ज़्यादा मायने रखता है. मेरे लिए जब फीडबैक यहाँ से आता है तो बहुत बहुत मायने रखता है. माई हस्बैंड, माई फैमिली एंड ऑफ कोर्स हिम, इट मैटर्स अ लॉट. सो इतने दिनों से जो ये हमारा नया पड़ाव शुरू हुआ है अमेरिका का, और कुछ मतलब आ नहीं रहा था कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, और एक ही इज़ नॉट दैट ओल्ड, बट मुझे इनमें समहाउ आई फाइंड माई फादर्स क्वालिटीज इन हिम. सो आई एम वेरी 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 अटैच टू हिम. वन सेकेंड, आई एम वेरी अटैच टू हिम. सो when there was nothing coming from him, to main roz sir ko bolti, why isn't he coming on the set? I used to ask him, why isn't he coming on the set? What is it? Why is he angry? What is happening? He's not even come to see the set. Why isn't he coming? And aaj is tarah se wo aaye hain surprise lekar. Mere liye to sabse bada surprise ye hai, and for her to come all the way, it means a lot. It means a lot. And he, she's साढ़े तीन साल में, ठीक है, एक अनुपमा ने एक जो भी अचीव किया है, एज अनुपमा मैंने जो भी मतलब पाया है, लेकिन मेरे लिए सबसे ज़्यादा मायने रखता है लव फ्रॉम ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम. तो आंटी की ब्लेसिंग्स, जैसे आंटी कभी चीज़ें बना कर भेज देती है, सरसों का साग, मिर्ची का अचार, वो मेरे लिए किसी भी अवार्ड से ज़्यादा मायने रखता है. दैट शोज़ कि वो कहीं पर यू नो अपना प्यार भेज रही है फिजिकल फॉर्म में. एंड एक डर था अमेरिका जाने का कि बच्चे को छोड़कर जाऊंगी, एंड पता नहीं कितने दिन के लिए जाएंगे, 15 दिन, ये वो. मैं विवेक का दिमाग खा गई थी पूछ पूछ के, क्या करें हम लोग, कितने दिन के लिए जा रहे हैं, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, क्या करेंगे. बट लुक एट हिम, ये हमारे लिए अमेरिका यही लेकर आया. अब मैं रोज रात को अपने बच्चे के पास जाके सो सकती हूँ, उसके साथ यू नो रह सकती हूँ. सोचूं कि हॉलीडेज भी. हाँ, क्रिसमस के लिए लेकर आई थी मैं उसे यहाँ पर. एंड व्हाट मोर कुड आई आस्क, बिना मांगे ही गिव सो मच टू ऑल ऑफ अस एक्टर्स. द लीस्ट वी कैन डू इज परफॉर्म. एंड स्क्रिप्ट इतनी अच्छी आती है, सीन्स इतने अच्छे आते हैं कि कोई भी एक्टर मेरी जगह पर होता तो अच्छा ही परफॉर्म करता. तो ये इनका बड़प्पन है कि मुझे इन्होंने आज इतनी यू नो इतना प्यार दिया, इतनी इज्जत दी. आई कांट इवन टेल यू. मेरे लिए इट वॉज इमोशनल जस्ट सीइंग हिम ऑन द सेट्स, एंड देन टू सी हर इज सोने पे सुहागा. मैंने सारी पोल खोल दी. मैं इंटरव्यू देने वाला कि कैसे डे नाइट मैंने मेहनत करी, सेट पे था, मैंने सेटअप डिजाइन करा था, मैं सबको बोल दिया. नहीं, इट वॉज अ सरप्राइज फॉर मी एंड आई एम सो हैप्पी. इसीलिए मैं सारी अपनी टीम को, पहले रुमेश जी जो हमारे सीरीज एक्टर हर शो के हैं, आरिफ जी जो हमारे लाइन प्रोड्यूसर है सारे शोज़ के, जो पूरा संभालते हैं हमारे पिलर्स जो है, विवेक जी जो हमारे क्रिएटिव प्रोड्यूसर है, इंद्रो हुज बिंग द इंटायर क्रिएटिव यू नो डायरेक्शन एंड दैट टच वुड, दिस इज सच अ ब्यूटिफुल. एंड ऑफ कोर्स अर्चना जी, अर्चना जी, माय गॉड, अर्चना जी, विनोद जी, जो उन्होंने ये अमेरिका 6 दिन में क्रिएट किया ये पूरा सेटअप. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि सिर्फ 6 दिन. सी, आई एम द न्यूएस्ट मेंबर इन द शो. तो जब ये अमेरिका वाला बात हुआ था ना, तो हम जा रहे थे, ठीक है, हम कहीं भी जा रहे, तो मैंने सोचा ठीक है चलो, दैट्स द नॉर्मल थिंग टू डू कि हम कहीं जाके 7 दिन 10 दिन शूट करके आते. फिर रातों रात राजेंद्र सर डिसाइड लिए क्या, नहीं वो पॉसिबल नहीं है, फिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा लंबा कहानी है, ये 2-3 महीने की कहानी है, तो हमें यहाँ पर सेट क्रिएट करना. और वो जो थाट ना कि 1 हफ्ते 10 दिन में ये चीज़ क्रिएट हो सकता है, मेरे दिमाग में तो बैठ ही नहीं रहा था, क्योंकि मुझे लगा कि ये 30 दिन लगता है. एंड थैंक्स टू सर, आरिफ जी, विवेक जी, 3 जो पिलर्स है,
और रोज़ मैं आता था और पहले दिन मैं तीन दिन आया ना कुछ नहीं था, सिर्फ ऐसे ऐसे मेटल्स थे एंड ऑल. आई सेड कि नहीं ये ना कुछ इम्पॉसिबल हमने प्लान कर लिया, ये नहीं होने वाला है. और पता नहीं ये टेलीकास्ट कैसे होगा, कुछ मैंने होगा फोन किया और एक्चुअली वो ना शेप अप करता गया. आज जो ये देख रहा है हम, जिस दिन ये पूरा हैंड ओवर हुआ, ये अमेजिंग है. बिकॉज ये आई डोंट थिंक इन माई करियर आई हैव सीन अ टर्न अराउंड टाइम ऑफ 7 to 10 days में, जिसमें आप सिर्फ यूएसए नहीं, आप न्यूयॉर्क की मैनहट्टन बना दिए आज. और आप फ्रेम देखोगे तो उस दिन एक्चुअली हम गए थे कहीं शूट करने के लिए और वो एक जूनियर आर्टिस्ट बोले कि कल के एपिसोड में तो आप न्यूयॉर्क में थे तो आज इधर कैसे आए इंडिया में. तो उतना बिलीवेबल एक चीज बनाने का, इट्स ऑल कुडोस टू द एंटायर टीम. इट इज अर्चना जी, इट इज अर्चना जी. इट्स लाइक हर लिटिल डिटेलिंग, इवन द कुशंस, इवन द स्मॉल ऑर्नामेंट्स, everything she has been here on the set every day, both of them. I would like Rumesh ji, jo aaj hamara ek chhota function hua hai uske bare mein just if you want to say a few words. It's great, it is such a happy thing ki wapas se ki jo naya hamara track shuru hua hai that has been loved by people. And ye cheez possible nahi ho sakti hai agar Rajan ji jis hisab se freedom aur bharosa. और भी लो मुझे फ्रीडम नहीं है. आई कैन गारंटी कि कोई और प्रोड्यूसर ये चीज़ बना नहीं सकता. सो इट्स ग्रेट एंड थैंक यू सो मच. सिर्फ दो तीन लाइन बोलना चाहूँगा कि ये शो अनुपमा जो है वो मम्मी जी और राजन जी के बिना कोई प्रोड्यूस नहीं कर सकता. और अनुपमा ये जो कैरेक्टर है ना, ये मैं हमेशा से बोलता हूँ रूपाली जी को कि ये आपके अलावा कोई और परफॉर्म भी नहीं कर सकता. ये दोनों भी चीज़ें कि जितनी मेहनत की है सर ने क्रिएटिवली जिस लेवल पे 3.5 साल से शो को लेके आया और अनुपमा जी ने उसको जो जस्टिफाई किया, ये कोई नहीं कर सकता. ये यानी मैं इस कंपनी में काम करता हूँ इसलिए नहीं बोल रहा, ये सच में ये हकीकत है. हर घर की एक यू नो अनुपमा है. विवेक आपको कहना चाहिए. थैंक यू एवरीबडी. बस यही कहना चाहता हूँ अनुपमा शो सबसे ज़्यादा मैं टॉर्चर करती हूँ. नहीं अनुपमा शो इज नॉट अ शो, इट्स अ ब्लेसिंग ऑन ऑल ऑफ अस एंड वी हैव लर्नड अ लॉट फॉर आर फैमिलीज. कि जिस हिसाब से माँ करती है ना, माँ का इम्पोर्टेंस सबकी लाइफ में बहुत होता है, बट ये देख के और हो जाता है. सो थैंक यू एंड इट्स अ ब्लेसिंग. इट्स नॉट ओनली अ शो, इट्स अ ब्लेसिंग ऑन ऑल ऑफ अस. थैंक यू. फटाफट कर लेते हैं. हाँ मैं